सरकार के शासन के पैदल यात्रा पर सनातन धर्म की अलग जगाने को चल रहे हैं पैदल। ग्रामीण चरणों में फूल नगाड़ो दीपक जलाकर की चरण वंदना। कोटे गांव में सर्व ब्राह्मण महिला परिषद का हुआ गठन में सभी संघीय सदस्य को सौंपा गया दायित्व। श्रीमती श्रिया उपाध्याय बनी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष। कार की टक्कर से ये रिक्शा पलटा, एक बच्ची दो महिलाओं सहित 8 लोग घायल। मामला यूपी के हरदोई का। शादी समारोह में चाहते वक्त वाहन आने से होने से हुई दुर्घटना, दो लोगों की मौत, 10 घायल। गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर गोपेश्वर के लिए किया गया रेफर। मामला जोशीमठ। 16 साल की वाणी को भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया। गाजियाबाद के रहने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा है वाणी, कई बड़े अवार्ड्स जीत चुकी है। बाइडेन ने दो भारतीय मूल के लोगों को अपॉइंट किया, पुनीत रंजन और राजेश सुब्रमण्यम एक्सपोर्ट काउंसिल में शामिल, दोनों ट्रेड एक्सपर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी केस में एक्सपर्ट कमेटी बनाई, जस्टिस सप्रे, जस्टिस देवदत्त, एन नीलकेड़ी समेत 6 मेंबर। ऑस्ट्रेलिया टीम 197 रन पर ऑल आउट, पहली पारी में 88 रनों की बढ़त, जडेजा ने 4 विकेट लिए। मध्य प्रदेश में हटेंगे 15 साल पुराने वाहन, बाइक हो या कार, 24 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खत्म। यूपी में गर्मी ने 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा, प्रयागराज और वाराणसी का पारा 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, इस महीने पारा 40 बाद पहुंचने का अनुमान। 1.5 साल में मोदी 47 बार नॉर्थ ईस्ट पहुंचे, 8 में से 6 राज्यों में सरकार, बीजेपी ने त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में रैलियां की। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में काउंटिंग शुरू, एक्सिट पोल में भाजपा गठबंधन को त्रिपुरा, नागालैंड में बहुमत, मेघालय में हंग असेंबली। रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, 3 दिन के सम्मेलन में 100 देश शामिल होंगे। अमरनाथ यात्रा में 18 किलोमीटर के रास्ते में 15 जून लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों में लगेंगे टेंट, दुकानों में लंगर लगाने की अनुमति नहीं। मध्य प्रदेश में बदला मौसम, कई शहरों में बूंदाबांदी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बदला मौसम। केरल दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कोच्चि के कोचीन शिपयार्ड पहुंचकर आईएनएस विक्रांत का दौरा किया, कहा सैन्य धाम में स्थापित की ट्राई की आईएनएस विक्रांत की प्रतिकृति। होली से पहले आम आदमी को बड़ा झटका, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में हुआ इजाफा, बढ़ोतरी के बाद अब 2162 रुपये मिलेगा सिलेंडर। पौड़ी गढ़वाल में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.4 रही तीव्रता, इससे पहले 20 फरवरी को बागेश्वर जिले में महसूस किए गए थे भूकंप के झटके। डबरानी में भरभराकर हाईवे पर गिरी चट्टान, आवाजाही ठप, बड़ा हादसा टला। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन है, जिले पर आलू वाले सिर पर सिलेंडर उठाकर किया विरोध प्रदर्शन। उत्तरकाशी मौसम ने फिर बदली करवट, पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ी क्षेत्रों में शुरू हुई बर्फबारी के साथ बारिश। सतगुरु हीरापुर वाले महाराज के नगर आगमन पर निकाली शोभा यात्रा, डीजे की धुन सुनकर भजनों पर लगाए जमकर जयकारे, लोगों द्वारा सतगुरु के ऊपर पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मसूरी में शिफन कोट के बेघरों ने निकाले शंखनाद रैली, विस्थापन की मांग को लेकर धरने पर बैठे, 3 साल पहले बेघर हुए लोगों को अभी तक विस्थापित नहीं किया गया। मंगलोर के मंडावली में दिल दहला देने वाली घटना, कार ने युवती सहित छोटी बच्ची को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ मामला। कोर्ट परिसर में हुआ यज्ञ, अधिवक्ताओं ने दी आहुति, ईश्वर से प्रार्थना की कि वो सरकार को सबूत दे ताकि सरकार अपने वादे के अनुसार अधिवक्ता सुरक्षा कानून का बिल पास कर दे।